नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम के बारे में, बताएंगे अगले 24 से 48-72 घंटों के दौरान प्रदेश भर का मौसम कैसा रहेगा। प्रदेश भर में आज भी झमाझम भारी बारिश को लेकर बड़ी खबर है। सुबह से ही उत्तर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, पल्लो, पिलिवंगा के इलाके, वहीं चोरू के तमाम इलाके, साथ ही साथ सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर बेल्ट में आज जबरदस्त बारिश का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं आज से कॉटन बेल्ट में बारिश का गतिविधियां जबरदस्त रहेगी। जहां बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं हुई, वहां भी अगले 2-3 दिन तक अच्छी बारिश की गतिविधियां WD के दौरान होगी। हालांकि बता दें, अभी की बात करें तो कई इलाकों के लिए बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। 12 जुलाई के दौरान प्रदेश भर में अलग अलग जगहों के लिए बारिश की गतिविधियां जबरदस्त रहने की संभावना है। प्रदेश भर के मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे अगले 1 घंटे के बाद आपको तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान भी मिलेगा। अगले 2-3 घंटों के दौरान राजस्थान में कौन कौन से जगहों पर बारिश होगी गरज व चमक के साथ, इसकी जानकारी आपको अलग से एक वीडियो 1 घंटे के बाद मिलेगा। करीब 2-3 बजे के बीच एक आपको जल्द नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी फिलहाल की बात कर लेता हूँ, यानी अभी 10 से 11 के बीच जो आने वाले समय है उसकी बात करें तो राजस्थान में जैसा कि भीनमाल, जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी बांसवाड़ा संभाग, सिरोही, आबू रोड, यहाँ की बात करें तो भीनमाल, सराना, सांचौर, धोरीमीना, बाकासर, बाड़मेर, गड्रा रोड, सिव, उंडू के इलाके, शेरगढ़, बालोतरा, जालोर, वाइद, पाली, जोधपुर, ओसिया, भोपालगढ़, मेड़ता, कुचेरा, ब्यावर, आसित, देरोडगढ़ और तखतगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, प्रतापगढ़, केकड़ी, जाजपुरा, मालपुरा, यहाँ से लेकर जयपुर, चाकसू, बनोली और इनसे लगाकर कोटा, बारा, बूंदी इलाके की बात करें तो बादलों की आवाजाही के बीच दक्षिण पश्चिमी ठंडी हवा चलने के साथ साथ कई इलाकों के लिए, कुछ जगहों के लिए बूंदाबांदी वाला बादल छाए रहेंगे। बीच में मौसम शुष्क तो कई जगहों के लिए दक्षिण पश्चिमी हवा का रुख रहेगा। हालांकि बीच बीच के कुछ इलाकों के लिए उदयपुर, पाली संभाग, वहीं कुछ अजमेर संभाग के में भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के हिस्से, वहीं कुछ कोटा संभाग के हिस्सों पर हल्की बारिश की गतिविधियां अभी बनने की संभावना है। इसी के अलावा बताते चले, विराटनगर, कठपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, मावा के इलाके, लक्ष्मणगढ़, अलवर, खरतल और बेरोड के इलाके, वही झुंझुनू, मालासर, पिलाने और यहाँ सेवानी, बाही, राजगढ़, सिद्धमुख, भादरा, तारानगर, चूरू और दरियावास, नौहर, भादरा के इलाके, एलनाबाद, राउसर, पल्लू, बटवाला और कहीं ना कहीं सूरतगढ़, पीलीवंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, साधुशेर, अबोहर और श्रीगंगानगर के इलाके, यहाँ आज कॉटन बेल्ट में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं रहेगी। हालांकि बता दें, सिरसा, फतेहाबाद, आदमपुर और सिवानी, हिसार के इलाकों पर आज जबरदस्त, हरियाणा, पंजाब के इलाके, इन बेल्ट में आज बारिश का रुख जबरदस्त रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद कहीं ना कहीं यहाँ चोरू, फतेहपुर, शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, झुंझुनू, मालासर, राजगढ़, तारानगर, पिलाने और खेतड़ी, निमका थाना, खंडेला, श्री माधोपुर, सीकर, रामगढ़, लोसल, चोमू और विराटनगर, कठपुतली, बेरोड, आपको बता दें टेहला, अलवर, खरतल, तिजारा, डींग, भिवाड़ी, रेवाड़ी, ये इलाके आज जबरदस्त बारिश की गतिविधियां में रहेंगे और WD का प्रभाव कई इन जगहों पर जबरदस्त रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का कामा, डेंग, नंदबाई, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ के इलाके, भरतपुर, मथुरा और अंचनरा, आगरा, शमशेदबाद, कहीं ना कहीं इलाकों के लिए धौलपुर के इलाके और समराथुरा, बारी, बयाना, हिडोन सिटी, करौली, गंगापुर सिटी, कहीं ना कहीं यहाँ दोपहर के समय बारिश की गतिविधियाँ होगी और दोपहर बाद भी हिडोन सिटी और लोसट, बनोली, दोसा, बांदीकुई और कहीं ना कहीं लालसोट के इलाके, यहाँ आज मध्यम से तेज और तूफानी हवाओं के बीच भारी बारिश की गतिविधियां बनने की संभावना है। फुलेरा, रेनवाल, श्रीमाधोपुर, टोंक, केकड़ी, जाजपुरा, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, तखतगढ़, आसित, देवगढ़, मांडलगढ़ के इलाके, उदयपुर संभाग के इलाके दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश का रुख रहेगा और शाम के बाद कोटा संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों पर बारिश का दायरा आज बढ़ेगा। वहीं 13 जुलाई की बात करें तो 13 जुलाई के दौरान सुबह के दौरान एक बार फिर कॉटन बेल्ट बठिंडा, संगरूर, लुधियाना, चंडीगढ़, सहारनपुर, पानीपत, नई दिल्ली, हिसार, लोहरो, सिरसा के इलाके, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, संगरिया, साधुशेर, चूरू और सीकर, अलवर, भरत बेल्ट में कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज 13 जुलाई के दौरान भी आगामी दिनों के दौरान जबरदस्त बारिश का रुख रहेगा। मध्यम से तेज खंड बारिश, भारी बारिश का दौर कहीं ना कहीं इलाकों पर रहेगा। जहां अब तक बारिश का दौर नहीं रहा, वहां कहीं ना कहीं जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। लगातार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू बेल्ट में बारिश कई क्षेत्रों के लिए वही वाली बारिश नहीं हुई, जिस वजह से कहीं ना कहीं इलाकों पर एक बार फिर पुनः बारिश की बढ़ने की संभावना है। और बड़ी बात यह है,
15 जुलाई के आसपास राजस्थान में मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 जुलाई के बाद राजस्थान में अलग अलग हिस्सों पर हल्की मध्यम खंड बारिश जोधपुर संभाग के इलाकों पर भी रहेगी और 16 जुलाई के बाद एक बार फिर पुनः मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। उदयपुर और बीकानेर संभाग के इलाके, अजमेर और बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में एक बार फिर पुनः बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। हालांकि 18 जुलाई के आसपास राजस्थान की बारिश की गतिविधियाँ ताज़ा हो जाएगी। कहीं ना कहीं उस दौरान पश्चिमी राजस्थान में झमाझम मूसलाधार तेज बारिश होने की संभावना है। आपको अगले एक घंटे के बाद तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। राजस्थान मौसम अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक लेना ताकि आपको लगातार मौसम की अपडेट बिल्कुल सही सटीक मिल जाएगी। धन्यवाद।